अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि नेपाल के अंदर हमारे जो तिरंगे झंडे लगे हुए थे गाड़ी पे, वो हटा दिए गए हैं। कहना चाहेंगे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जिसको अपना कहीं 10,000 की नौकरी करने से अच्छा खुद का छोटा ही मालिक बने, अपने बिजनेस करे, दो दो चार लोगों को रोजगार भी दे सके। इतना शानदार, देखिए ये वाकई में कह सकते हैं बहुत शानदार है। ये जितनी भी रेंज है वो सारी क्लीनिंग की रेंज है और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी ये देख सकते हैं नमक, डोलामाइट और सोडा वोडा, अभी ये हाथों से मिक्स करेंगे। नमस्कार, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। पानी से पैसा ही पैसा, ये सारी चीजें तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन अब और पानी से पैसा ये लोग कमा रहे हैं। और ये कहाँ कमा रहे हैं ये चीज मैं आपके लिए बताता हूँ। अरे इनके गुब्बारे फूट रहे हैं, इनकी ओपनिंग हुई है, ये अच्छी बात है। ठीक है, डरो मत। ठीक है, अभी मैं नेपाल के अंदर हूँ। देखो बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मैं कैसे कैसे बॉर्डर पास करके आया हूँ। कोई भंसाली लगाया तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने रात को रोका था। हम रात को 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे थे बॉर्डर इंडिया से नेपाल में, हमको घुसने नहीं दिया। फिर रात को फिर लौटे, फिर कहाँ कहाँ कैसे करके जुगाड़ करके सोए। अभी मैं जैसे तैसे करके आया हूँ नेपाल से, है हमसे ट्रेनिंग लेके आए हैं काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट में, और इन्हीं से जानूंगा। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर हो रही है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट 2025 तक 5 लाख रोजगार पैदा करेगा, उसकी कड़ी में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और आत्मनिर्भर भारत यात्रा जो अभी मुझे 10वां दिन है, देखिए मैं उन्हीं जगहों पे जा रहा हूँ, पूरे देश की मेरी यात्रा है 25,000 किलोमीटर की, और उन्हीं जगहों को दिखा रहा हूँ जो मेरे यहाँ से, यानी कि काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पर्सनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 10 जो क्लीनिंग आइटम आते हैं उन सबकी, तो उन्हीं सारी चीजों को कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है, कैसे बना रहे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार शाह हुआ, मेरा घर जनकपुर नेपाल में हुआ। जनकपुर नेपाल में ही मौजूद हूँ मैं। और आप सबसे पहले शुरुआत से बताना, कैसे कैसे आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, क्या क्या आपको, क्या आपको सारी चीजें बताना। मैं फिलहाल मैं पहले अपने नेपाल में पुलिस फोर्स में जॉब में था, उसके बाद दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद मैंने यूट्यूब में देखे देखते आपका काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट का मैंने प्रोग्राम सब देखा, यूट्यूब में देखा, तो मैं बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि अब विदेश हटके जाऊंगा तो कुछ ना कुछ करूंगा बिजनेस, क्या कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद मेरे को आइडिया आया कि ये बिजनेस अच्छा है, यानी कि YouTube से देख के आया आपको। यूट्यूब से देख के आए। तो उसके बाद आपसे मैंने संपर्क किया, आपके पास गए, ट्रेनिंग लिया। उस ट्रेनिंग का यही फल है कि मैं आज अपना बिजनेस खड़ा किया हूँ। अच्छा, आपको YouTube पे ऐसा तो नहीं लगा कि फर्जीवाड़ा चल रहा है? नहीं, यूट्यूब में तो फर्जीवाड़ा तो बहुत है, मगर मेरे को विश्वास था कि आपका जो मैंने देखा वो मोटिवेट जो काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट, वो तो फ्रॉड नहीं होता है, एक ट्रस्ट ट्रस्ट ही होता है। तो ट्रस्ट समझ के मैं ट्रस्ट में गया, ट्रस्ट करके हमको भरोसा हो गया। अब देखिए ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए बहुत शानदार क्वालिटी बनाया है, मैं तो बहुत खुश हुआ जब यहाँ आया था। देखिए ये ग्लास क्लीनर है, वाकई में बहुत गजब है। और सबसे ज्यादा जो बढ़िया लगा, डिश वॉश, इसको मैं आपको, मैंने एक कटोरी मंगाई है इसलिए मैं आपको ये उसमें करके भी दिखाऊंगा। और एक चीज देखिए इधर दिखाई है, देखिए कितना शानदार, देखिए ये वाकई में कह सकते हैं बहुत शानदार है, इतना गाढ़ा है, इतना ट्रांसपेरेंट है, वाकई में बहुत शानदार चीज बनाई है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इसके अलावा देखिए हैंड वॉश हो गया, इनका जो है फिनाइल हो गया, देखो बहुत गाढ़ा है, कोई सेपरेशन नहीं आता है। टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट जो है ना 20 से 25 रुपया इंडियन करेंसी। देखो यहाँ तो नेपाल में तो कुछ डेढ़ नेपाल गुना जुगाड़ है, हाँ लेकिन ये 20 से 25 रुपए में हमारे यहाँ बनते हैं, और इनके यहाँ 1.5 गुना यानी कि लगभग 30-35 रुपए में बनकर तैयार। अच्छा, कितने रुपए में बिक रहा है ये? ये मुश्किल से यहाँ पर 100 में बिकता है, कितने का? 100 में बिकता है, कितने रुपए का सौ बिक? सौ में बिकता है। अच्छा, 100 रुपए में बिकता है यहाँ एक पीस। और ये कितने में बिकता है? ये 500 ml का डिश वॉश, 5 7 का डिश वॉश वही 175 में मिलता है। 175, जी 175। और ये कितना ग्लास क्लीनर? 130 में मिलता है, 130 रुपए में 500 ml। और ये 250 ml का? 85 में, 85। और फिनाइल 1 लीटर का? वो 100 में मिलता है, 100 में मिलता है। ये हैंड वॉश? हैंड वॉश 110 में, 110 में 200 ml। और ये आपका 245 का, 1 लीटर का, आप 500 ml है, 125 का, मतलब 125, 125 रुपए में 500 ml है। कह सकते हैं कि यहाँ 1.5 गुना है। देखिए करेंसी अलग है नेपाल के अंदर, वो सारी चीजें।
अब मैं आपके लिए वो चीज बताऊंगा जो ये कैसे कैसे बना रहे हैं, कौन कौन सी ये मशीन लगा रहे हैं या हाथों से बना रहे हैं, वो चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत यात्रा की हमारी जो गाड़ी है उसको मैं जरूर बताता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि नेपाल के अंदर हमारे जो तिरंगे झंडे लगे हुए थे गाड़ी पे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन इसको नहीं हटा पाए क्योंकि ये तो भैया मैंने इतना बेहतरीन बहुत पैसा खर्च करके इसको प्रिंट करवाया है, तो वो नहीं है हटा पाए। लेकिन ये भी चलो उनके अलग अलग देश की बात है। और देखिए इन्होंने क्या किया है, ए टू जेड स्क्वायर प्लस, ये मेरा ही ब्रांड है, मैंने बड़ी मेहनत से 12 साल पहले शुरू किया था, लेकिन इन्होंने नेपाल के अंदर उसी को कॉपी कर दिया सेम। बहुत अच्छी बात है, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और ये और दिखाता हूँ, आइए। और इसके अलावा देखिए बड़े अच्छे सुंदर तरीके से इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट, देखिए वाकई में फिनिशिंग है, कोई भी नहीं कह सकता कि किसी भी तरीके से कोई अलग अलग चीज है। अब मैं वो चीज दिखाता हूँ आपके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हो रही है, वो दिखाता हूँ। चलिए ये जितनी भी रेंज है वो सारी क्लीनिंग की रेंज है और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और देखिए डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाते हैं, ये देखिए अभी दिखाइए, अभी ये देख सकते हैं नमक, डोलामाइट और सोडा वोडा, अभी ये हाथों से मिक्स करेंगे। कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, सब हाथों से होता है। अरे मशीनें क्यों लगाओ आप, सीधा बस दो आदमी और बढ़ा दो, मशीनें तो नहीं बदल सकते हम, आदमी तो बदल सकते हैं। चलिए तो मैं इन्हीं से जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका अनुभव रहा है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जिसको अपना कहीं 10,000 की नौकरी करने से अच्छा खुद का छोटा ही मालिक बने, अपने बिजनेस करे, दो चार लोगों को रोजगार भी दे सके, और जो सहूलियत होता है जो दर बदर भटकते हैं क्वालिटी के लिए, मटेरियल के लिए क्वालिटी हमको नहीं मिल रहा है, पैसा भी लग रहा है क्वालिटी नहीं मिल रहा, वो क्वालिटी देने के लिए। अच्छा काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में जब आप आए थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि आप दुबई से आए हैं, ऐसा बोला था जी। हमें दुबई से रिटर्न होके ये बिजनेस करने के लिए आपसे जुड़ा, अभी मैं बिजनेस खड़ा कर चुका हूँ। अच्छा काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट तो एक ट्रस्ट ही है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो ट्रस्ट आपने दिए हम लोग को, जो पब्लिक को दिए, जो आपके पास पहुँचते हैं जो जो सीखने के लिए, वो ये आत्मनिर्भर नेपाल इंडिया भी हो रहा है और नेपाल भी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत तो है ही, अब मैं नेपाल में भी आ रहा हूँ, नेपाल भी बन रहा है आत्मनिर्भर। हाँ लगभग 40-50 लोग मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेके आए हैं और हर संडे के संडे पर्सनल ट्रेनिंग होती है, आपको तो पता ही है, उसकी फीस 3100 रुपए होती है, 500 रुपए सीट बुकिंग करना, बाकी 2600 वहाँ, जिसमें खाना नाश्ता डिप्लोमा सर्टिफिकेट बुक बहुत कुछ होता है, सारा सब कुछ मिलता है। और ऐसी ही चीजों से आप छोटी छोटी चीजों से अच्छा कितना कमा लेते हो, सीधी सी बात बताओ। अभी तो फिलहाल मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी नफा और नुकसान मालूम नहीं, एक महीना चलने के बाद ही मालूम चलेगा, जस्ट ही मैं ओपनिंग किया हूँ 21 सितंबर को। मैं मुनाफा तो बहुत है लेकिन वीडियो के सामने ना कोई नहीं बताता अपनी बात को, बताएं कि अभी तो कुछ मालूम ही नहीं चला, महीना मरेगा तो उसके बाद ही मालूम चलेगा क्या कितना लॉस हुआ। आपको सब पता है क्योंकि जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा है तो सारा पानी मिलाया है इसमें, तो पानी मिला के ज्यादा हो गया तो ये बिकना भी है, स्वाभाविक है, वो तो आपका जो भी बिजनेस है आगे काम आएगा। और देखिए ये वाली छोटी सी मशीन है, दिखा सकते हैं, इससे है ना पाउच पैकिंग कर देते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पाउच आते हैं उनको पैक कर देते हैं। और बाकी और कोई ऐसी मशीन नहीं है, सारा मैनुअल काम है। अच्छा पाउच वगैरह जो भर देते हैं उसके बाद में ये आप दुकानदारों को या मार्केट में देते होंगे? अच्छा ये पंप है, अलग अलग ट्रिगर वगैरह जो है ना, हाँ बहुत सारा मार्जिन है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप भी करिए, सभी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाता रहूंगा और ऐसे ही पसीने देखो मुझे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि देखिए मैं 25,000 किलोमीटर बहुत सारा खर्चा करके मैं आपको नए नए बिजनेस आइडिया दिखा रहा हूँ, कभी कहीं रिस्क लेके आ रहा हूँ। देखो नेपाल में तो रिस्क थी, हम रात को वहां पर जैसे तैसे करके हमने किया है, तो मैं आपके लिए हर चीज उपलब्ध कर रहा हूँ, नए नए बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ। जय हिंद जय भारत।